गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ शॉर्ट डे टाइम ईद मेकअप लुक। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है इन दी शेड 115 आइवरी। इसको पहले मैं ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फुल फेस होने पे मैंने अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैंने फिट मी का कंसीलर लिया है 25 मीडियम मोइन। यहाँ पे मैंने कलर सेंस का ब्राउन काजल लिया है और उसको अपने आईलिड पे अप्लाई करके एक आई शेडो के लिए बेस क्रिएट करूँगी। अब अपने फिंगर के हेल्प से नेक आई को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी हम आई शेडो अप्लाई करें वो अच्छे से स्टिक हो उस पर। एडीएफ के किट में से एक मैंने ब्राउनी ऑरेंज शेड लेके अपने दोनों आईलिड पे अच्छे से पैट करके इसे ब्लेंड करूंगी। सेम शेड लेके मैंने अपनी लोअर लैश पर भी ब्लेंड किया है। ये लेके टू के पैलेट से मैं ब्लैक शेड लेके अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी। इससे आईज में डेप्थ अच्छा आता है। अब मैं ब्लैक शेड को ब्लेंड कर रही हूँ इन बोथ डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ पे फ्लम काजल लिया है, उसको अपने लोअर बॉटम लाइन में अप्लाई करूँ। यहाँ पे मैंने फिटिंग का कॉम्पैक्ट यूज किया है अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए।
मस्कारे के लिए यहाँ पे मैंने शुगर का मस्कारा यूज़ किया है। अपने दोनों लैशेस को इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। सेम ब्लैक शेड लेके मैंने अपने ब्राउ को फिल कर लिया है। हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मैंने कलर एसेंस का शिमर ब्रिक कॉम्पैक्ट लिया है। इससे मैं अपने हाई पॉइंट्स अच्छे से हाईलाइट करूँगी। एक नेचुरल ग्लो देता है। चंकी ग्लिटर्स इसमें नहीं है, बहुत फाइन ग्लिटर्स हैं जो कि आप डे टाइम में भी आराम से यूज कर सकते हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने शुगर की मैटेज है लिप क्लॉन ली है इन द शेड 17 ब्रांडी हैरिंगटन। इससे मैं अपने लिप्स को लाइन करूंगी और फिर बोट करूंगी। ये बहुत अच्छा ब्राउन शेड है विथ मरून अंडरटोन। अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने मार्स का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लिया है। अपने मेकअप को लॉक किया, देख सकते हैं आप मेकअप कितना ग्लोई हुआ है।